बुलंदशहर में चक्रवाती तूफान की चपेट में आने से मकान, दीवार, एचटी लाइन और विशाल पेड़ गिरे। आधा दर्जन से अधिक मकानों में बताया जा रहा नुकसान। आम के बाद धान, गन्ने की फसलों में भी भारी तबाही। 150 मीटर की परिधि में दिखा चक्रवाती तूफान। चक्रवाती तूफान से बचने के लिए सुरक्षित स्थानों पर ग्रामीणों ने किया रुख। चैनक और क्षेत्र के गाँव महाव चिंगरावटी में दिखा चक्रवाती तूफान का असर। बुलंदशहर ब्यूरो रिपोर्ट। मेरा नाम योगेश कुमार है। कहाँ के निवासी? मैं चिंगरावटी का रहने वाला हूँ, जिला बुलंदशहर, डाकखाना सैना। अच्छा, क्या ये अभी तूफान आया है? ये तूफान आया था, तूफान में मकान फट गया। कैसा तूफान था? तूफान बहुत भयंकर तूफान था। अच्छा, कितना नुकसान हुआ आपको? करीब बहुत नुकसान हो गया था। आपका क्या नुकसान? मकान ढहा पड़ा है हमारा, दीवार गिरी पड़ी है, सब पेड़ पौधे सब टूट गए, सब ये पड़ी सब पर है। बाकी आप वीडियो घुमा लें। तूफान ऐसा कभी आया नहीं हमारी याद में, तो कभी आया नहीं था। वहाँ कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी है 83 साल की उम्र है मेरी। 83 साल तूफान कोई नहीं। लगभग कितने बागों का नुकसान होगा? यहाँ तो बहुत ज़्यादा नुकसान है। जड़ से पेड़ एक पेड़ नहीं छोड़ा कैसा हो। शिवा मंदिर बचाया है और गांव बचा दिया इसने। और किन किन लोगों के यहाँ बाग हैं? यहाँ ये गुजरों का, सिंगरावटी का, और ये हरबानपुर का है। बाग है भी नुकसान है काफ़ी हमारे यहाँ। ट्यूबवेल जो है ये लाइन सब उखाड़ गई, खम्बे टूट गए, ट्रांसफार्मर उतर गए। इतना तूफान हमने कभी देखा ही नहीं है।